नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। कोविड 19 के चलते कोरोना से बचने के लिए भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना पूरे देश में न फैले, इसलिए भारतीय रेल को भी इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय लेना पड़ा और यात्रियों का आवागमन न हो सके, इसलिए भारतीय रेल ने पूरी तरह से बंद कर दी गाड़ियाँ। लेकिन जल्द ही जब सड़कों पर जिंदगी खिलखिलाते हुए दौड़ लगाएगी तो वही रेलवे भी अपना आवागमन शुरू कर देगा। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। अब भारतीय रेलवे स्टेशन एकदम चकाचक एयरपोर्ट की तरह दिखाई देंगे। कई तरह की जांच से आपको गुजरना पड़ेगा। सैनिटाइजरों का विशेष प्रबंध होगा। व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद होगी। मानो आप यात्रा ट्रेन से नहीं बल्कि एयर यानी जहाज से करने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस खास और वायरल वीडियो में कि भारतीय रेल ने कैसी व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर पोस्ट द्वारा संभावित यात्री ट्रेनों के प्रारंभ होने के विषय को लेकर आज रेकी की गई, जिसके अंतर्गत टिकट लेने के पश्चात इस लाल घेरे में पैसेंजर खड़े होंगे। इनके खड़े होने के पश्चात प्रवेश द्वार पर रेड कोन पे एक एक मीटर की दूरी के डिस्टेंस पर सभी पैसेंजर खड़े होंगे। बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खड़े हैं। बैगेज केंद्र के पास जो है इनका बैग चेक होगा। यहाँ पर स्टाफ बैग चेक होने के बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग में खड़े होंगे। खड़े होने के पश्चात बैग स्कैन करने के पश्चात यहाँ मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइज कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाद यहाँ से इनको जो है अपने अपने कोच में रवाना किया जाएगा। सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर पोस्ट द्वारा संभावित यात्री ट्रेनों के प्रारंभ होने के विषय को लेकर आज रेकी की गई, जिसके अंतर्गत टिकट लेने के पश्चात इस लाल घेरे में पैसेंजर खड़े होंगे। इनके खड़े होने के पश्चात प्रवेश द्वार पर रेड कोन पे एक एक मीटर की दूरी के डिस्टेंस पर सभी पैसेंजर खड़े होंगे। बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खड़े हैं। बैगेज केंद्र के पास जो है इनका बैग चेक होगा। यहाँ पर स्टाफ बैग चेक होने के बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग में खड़े होंगे। खड़े होने के पश्चात बैग स्कैन करने के पश्चात यहाँ मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइज कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाद यहाँ से इनको जो है अपने अपने कोच में रवाना किया जाएगा। सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर पोस्ट द्वारा संभावित यात्री ट्रेनों के प्रारंभ होने के विषय को लेकर आज रेकी की गई, जिसके अंतर्गत टिकट लेने के पश्चात इस लाल घेरे में पैसेंजर खड़े होंगे। इनके खड़े होने के पश्चात प्रवेश द्वार पर रेड कोन पे एक एक मीटर की दूरी के डिस्टेंस पर सभी पैसेंजर खड़े होंगे। बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खड़े हैं। बैगेज केंद्र के पास जो है इनका बैग चेक होगा। यहाँ पर स्टाफ बैग चेक होने के बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग में खड़े होंगे। खड़े होने के पश्चात बैग स्कैन करने के पश्चात यहाँ मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइज कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाद यहाँ से इनको जो है अपने अपने कोच में रवाना किया जाएगा। सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर पोस्ट द्वारा संभावित यात्री ट्रेनों के प्रारंभ होने के विषय को लेकर आज रेकी की गई, जिसके अंतर्गत टिकट लेने के पश्चात इस लाल घेरे में पैसेंजर खड़े होंगे। इनके खड़े होने के पश्चात प्रवेश द्वार पर रेड कोन पे एक एक मीटर की दूरी के डिस्टेंस पर सभी पैसेंजर खड़े होंगे। बराबर
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खड़े हैं। बैगेज स्कैनर के पास जो है इनका बैग चेक होगा। यहाँ पर स्टाफ बैग चेक होने के बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग में खड़े होंगे। खड़े होने के पश्चात बैग स्कैन करने के पश्चात यहाँ मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइज कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाद यहाँ से इनको जो है अपने अपने कोच में रवाना किया जाएगा। सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल जबलपुर पोस्ट द्वारा संभावित यात्री ट्रेनों के प्रारंभ होने के विषय को लेकर आज रेकी की गई, जिसके अंतर्गत टिकट लेने के पश्चात इस लाल घेरे में पैसेंजर खड़े होंगे। इनके खड़े होने के पश्चात प्रवेश द्वार पर रेड कोन पे एक एक मीटर की दूरी के डिस्टेंस पर सभी पैसेंजर खड़े होंगे। बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खड़े हैं। बैगेज स्कैनर के पास जो है इनका बैग चेक होगा। यहाँ पर स्टाफ बैग चेक होने के बाद प्रॉपर डिस्टेंसिंग में खड़े होंगे। खड़े होने के पश्चात बैग स्कैन करने के पश्चात यहाँ मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। सैनिटाइज कराने के पश्चात थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाद यहाँ से इनको जो है अपने अपने कोच में रवाना किया जाएगा।